तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। और आज मैं आपके सामने एक और लेके आई हूँ ऑनलाइन प्रोडक्ट। ये भी मैंने मंगाया है ऑनलाइन, और ये जब मैंने इसको ओपन करके देखा तो ये वाकई में भी बहुत अच्छा आया, तो मैं आप लोगों से शेयर करे बिना ये रह नहीं पाई। ये देखिए, तो मैंने ये मंगवाया था स्पेशल नवरात्रों के लिए, और ये वाकई में इतना ब्यूटीफुल आया ना, मैंने सोचा नहीं था कि ऑनलाइन इतनी अच्छी चीज़ आएगी। ये है इसका दुपट्टा, ये देखो मैं दिखाती हूँ। ये हैवी है, इसके लटकन भी हैं और मिरर वर्क भी है। सबसे बढ़िया बात कि जो इसकी लेंथ है और जो इसकी विड्थ है वो बहुत ही प्यारी है। ये देखो, वाओ, इट्स अमेजिंग। और ये इसके साथ ब्लाउज का कपड़ा आया था जो मैं स्टिच करवा चुकी हूँ, और जो मेरा ब्लाउज स्टिच हुआ है वो भी बहुत ब्यूटीफुल हुआ है। लटकन लगी है, फुल स्लीव्स करवाया है, मिरर वर्क है चोली पे भी, और फाइनली इसका लहंगा बहुत अच्छा है। मतलब मेरा दिल इतना खुश हो गया ना यार इसको देख के। माय गॉड, मैंने कहा आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी बनने वाली है। ये देखो, और आज मैं अभी एकेडमी जाने वाली हूँ, अच्छे से सज धज के इसको पहन के नवरात्रि की वीडियो बनाने वाली हूँ। और ये देखो इसका डिज़ाइन बैक से भी कितना अच्छा है, नीचे का वर्क कितना प्यारा है, फ्रंट वर्क कितना सुंदर है देखो नीचे का, और ये फ्रंट पे की डिज़ाइन दिया गया है। सो गाइज, अगर आपको भी ये चाहिए तो लिंक के लिए डीएम करना मुझे, मैं पक्का आपको इसका लिंक देने वाली हूँ। और ये देखो, इस पर भी मिरर वर्क है ऊपर भी और नीचे भी। अब मैं एकेडमी जा रही हूँ और इसको मैं पहनने वाली हूँ अच्छे से, सुंदर मेकअप वेकअप सब करके मैं वीडियोस बनाने वाली हूँ, क्योंकि हमारी माता जी आ रही हैं तो उनकी खुशी में कुछ वीडियोज़ तो डालना बनता है ना। तो अब आगे का वीडियो आपको मिलेगा डायरेक्ट अकेडमी पर। बाय बाय। सो गाइज, अब मैं आ गई हूँ अपने अकेडमी पर, और मैंने अपना ये प्यारा सा आउटफिट डाल लिया है। ज्वेलरी भी मैं डाल चुकी हूँ, सारी जो भी ज्वेलरी होती है तो मैं सब डाल चुकी हूँ। मेकअप मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है, नेल पेंट लग चुकी है। मैम। हाँ जी। कौन सी वीडियो बनाने वाले हो आज? आज हम बनाएंगे नवरात्रि की वीडियो। आपको देख के अच्छा लग रहा है, गरबा करने वाले हो आप? और गरबा ही करेंगे, माता रानी जो आने वाले हैं तो उनकी खुशी खुशी में हम वीडियो तो बनाना बनता है ना। तो ये मेरा आउटफिट है, ज्वेलरी मैंने पहन ली है, बस थोड़ा सा मेकअप मेरा रह गया है। ये नायशा हमारी तंग कर रही है हमें। नायशा, मम्मा कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, कह रही है अच्छी लग रही है। उधर बता दो, मम्मा अच्छी लग रही है? हाँ अच्छी लग रही है मम्मा, अच्छी लग रही है। और ये हमारी स्टूडेंट रेडी हो रही है, अपना मेकअप कर रही है। मेरी नेल पेंट लगी थी मैंने एक घंटे से कर रही है। ये तो बड़ा देर लगाती है, बहुत देर लगाती है। मैं तो देखिए अभी 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। मैम तो 2 घंटे हो गए, ज्यादा नहीं। सो गाइज, नेल पेंट के बाद मैं अपनी रिंग भी पहन चुकी हूँ, और मेरा माथा पट्टी रह गया था वो भी मैंने पहन लिया है, लिपस्टिक्स लगा ली है, और ये है गाइज मेरा फाइनल लुक। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा लगा, क्योंकि मैं इतनी सज के धज के वीडियोज़ बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने नवरात्रि के लिए पूरा अच्छे से मेकअप ज्वेलरी आउटफिट सब रेडी किया है सब आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो पूरा रेडी होने के बाद सबसे पहले मैंने अपना शॉट लिया डांडिया के साथ, उसके बाद मैंने अपने स्टूडेंट के साथ वीडियो बनाई जिसमें इतनी मिस्टेक्स हुई, आप अब देखना मेरे सारे मिस्टेक्स वाले शॉट्स हैं यहाँ पे। एक तो मैंने इतनी ज्वेलरी पहन के कभी डांस किया नहीं है, तो मेरी ज्वेलरियाँ बाहर निकल निकल के आ रही थी, कभी मेरा इयररिंग आ रहा था, कभी मेरे ब्रेसलेट बाहर आ रहे थे, बस पूछो मत। सारी काजल फैली यार, एक तो मैं प्रैक्टिस नहीं करती डेली, कभी कभी करती हूँ कभी कभी नहीं, इतनी मुश्किल हो रही है मुझे वीडियो बनाने में, कितने टेक लेनी पड़ रही है। एसी चल रहे हैं, दो दो फिर भी रहा है। हाँ बहुत गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा। मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट्स में जरूर बताना। ये अब यहाँ पे डांस करते करते हमारी डांडिया ही टूट गई। सो गाइज, अब मैंने स्टूडेंट के साथ शूट करने के बाद अपना सोलो शूट करवाया। सोलो में मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि सोलो में हम अगर कुछ भी स्टेप कर देते हैं तो इतना इश्यू नहीं होता, बट ग्रुप में क्या होता है, डुइट में क्या होता है, सेम स्टेप जाने होते हैं। तो सोलो जो मेरा शूट था बहुत जल्दी शूट हो गया, और अब इसकी वीडियोस भी मैं पोस्ट कर चुकी हूँ,
तीन चार आपने कमेंट्स में मुझे बताया नहीं कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो गाइस कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूँगी। सो आपके कमेंट्स से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो गाइस प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और अगर ड्रेस का लिंक चाहिए तो मुझे DM करना इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, कहीं पे भी आप मुझे कमेंट और DM कर सकते हो, वहाँ पे आपको इस ड्रेस का लिंक मिल जाएगा। हो गया शूट यार, बस हो गया यार, भी कुछ बाकी है कुछ बाकी नहीं है यार, बस हो गया, मैं उतार रही हूँ इसको। मेरी जो सुंदरता थी वो सारी मेकअप उतरने में आ गई है, मेरा सारा मेकअप उतर रहा है। खैर मैंने इतना मेकअप किया है, फाउंडेशन लगता है मैंने, क्योंकि जो मेरी पब्लिक है ना उनको मेरा ज्यादा ओवर मेकअप पसंद नहीं है, सिंपल सोवर मेकअप पसंद है। तो मैंने वीडियोज और फोटोज कर ली है, अब आप सबके सामने आज मेरी फोटोज वीडियोज आने वाली है, और आप लोग मुझे बताना कि आपको कैसी लगी। ओके बाय बाय।